इंधनाचे दर वाढले, घरगुती सिलेंडर महागलेत, महागाईने उच्चांक गाठला आहे। देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे। मात्र पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री केवळ घोषणांचा पाऊस पाडण्यात व्यस्त आहेत। एकंदरीत केंद्र सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे। केंद्र सरकारच्या जनविरोधी धोरणाविरोधात काँग्रेसच्या वतीनं शहरातील सर्व प्रभागात जनजागृती यात्रा काढण्यात येत आहेत। केंद्र सरकारचे जनविरोधी धोरण, वाढती महागाई, बेरोजगारी आदी विषयांवर प्रत्येक वार्डात नागरिकांसोबत चौपालच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे। यावेळी चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष रामू तिवारी, प्रदेश सचिव विनोद दत्तात्रय, राजू वासेकर, पिंटू शिरवार, पप्पू सिद्दीकी, नरेंद्र बोबडे, राहुल चौधरी, राज यादव, प्रवीण पडवेकर, उमाकांत धांडे यांच्यासह सर्व फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचे पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते। 7 साल से मोदी की सरकार जो भाजपा की सरकार सोई वाली है उसको जगाने का उद्देश्य ये जनजागरण अभियान कर रहे हैं। जो 7 सालों में महंगाई, जो 70 सालों में जो महंगाई नहीं बढ़ी थी, वो 7 सालों में महंगाई बढ़ी है। आज मध्यम वर्गीय परिवार का जीना दुर्भर हो गया है। आज पेट्रोल 115 रुपये लीटर, गैस 1000 रुपये सिलेंडर तक उसके रेट बढ़ गए, पर मोदी जी के कानों में जूं तक रेंग नहीं रही है। आम आदमी और आम मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो पूरे और से टूट चुके हैं। तो उसके लिए हम एक जनजागरण के माध्यम से सरकार को जगाने का उद्देश्य काम कर रहे हैं।